पीने के पानी की समस्या को लेकर बुधवार को एनी रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय कार्यालय पर महामंत्री के एल गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। यूनियन के सदस्यों ने पानी की समस्या के बारे में संबंधित विभाग को अवगत कराया, लेकिन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने की वजह से परेशान यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों ने दोपहर लंच के दौरान बैठक किया और पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए रणनीति बनाई। बैठक में नवीन कुमार मिश्रा, संजीव कुमार मिश्रा, के एन पी सिंह, इस्लाम हुसैन, राजेश पांडे सहित यूनियन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री के एल गुप्ता ने कहा, के लोग बहुत संकट में हैं, आंदोलित हैं कि पानी पीने वाला व्यवस्था कुछ नहीं है। और अगले हफ्ते में हम लोग जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि काफी हफ्ते में हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। पहले से सर टोटी भी ठीक होना चाहिए, पानी ठीक होना चाहिए, लाइट ठीक होना चाहिए, पंखा ठीक होना चाहिए, लेकिन सब बावजूद के भी तो अगले अगर कल तक व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग लंच पीरियड में पूरा तो पूरा अकाउंट सारी प्रदर्शन करें। कर्मचारी के प्रति उदासीन है और यूनियन द्वारा जो कार्यक्रम कल किया गया है मैंने पिछले हफ्ते, और उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी अभी हमारे आश्वासन तो है, देखा जाए कि क्या हुआ। जैसे कि महामंत्री जी ने बताया कि आज उन्होंने व्यक्तिगत पत्र लिखा है फ्रेंडसियों को, और यह बताने का काम क्या कि अगर कि आज तक हमें कोई सूचना नहीं दी गई कि पानी का और डिजर्ट कूलर का व्यवस्था हो गया, तो हम लोग कल पूरे अकाउंट्स ऑफिस के कर्मचारियों के साथ एफएनसीओ के पास मिलने का काम करेंगे। और जो कर्मचारियों की समस्या है, जो प्रशासन की उदासीनता है, इस पर कल जो है जोरदार प्रोग्राम करने का काम किया जाएगा, वो बाहर निकालने का काम करें। धन्यवाद साथी। बैठक इसलिए बुलाई गई थी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अभी अगले हफ्ते में डेलीगेशन मिला और उनको ये बताने का कहा गया कि पीने का ड्रिंकिंग वाटर का कोई लीस्ट नॉट बी इंतजाम है होल अकाउंट्स ऑफिस में। और इसके अलावा भी यही एफएनसीओ का कहना कि जब समर वेकेशन आएगा उसके पहले हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए और जो गर्मी को सुविधा प्रोवाइड करना चाहिए तो कर दिया गया है। लेकिन जब उनको याद दिलाया गया अगले में, और उन्होंने याद दिलाने के बाद भी जब अपने सेक्रेटरी से पूछा कि भाई आर ओ यहाँ है कि काम कर रहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, एको आर का काम नहीं कर रहा। और ये कहा यूनियन की तरफ से भाई कल परसों तक सब मरम्मत करा दीजिए, तो वो सेक्रेटरी ने कहा उसे सब कंडम हो गया है, इस बारे को आर ओ का के अलावा भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ नए दरवाजे लगे हैं, खिड़की उसमें तो दरवाज़ा वो भी नहीं है, पर्दा भी नहीं है, जो लेटरिन है उसमें पानी भीतर भी नहीं है, बैठने का कुर्सी की भी बहुत इतनी शॉर्टेज है, लेकिन कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा। जब अभी तक नहीं हुआ तो आज हमने उनको एफएनसीओ साहब को नाम से एक पत्र लिखा कि आपसे अगले हफ्ते मिले थे लेकिन एक पैसा भी पानी के लाइन में कोई सुधार नहीं हुआ, एक पैसा भी। इसलिए अगर कल तक नहीं होता है तो हम कल टिफिन में पूरा अकाउंट साहबी साहब के मिलने के लिए आए, आपसे पानी पीने का पानी मांगेगा, पीने का पानी मांगेगा, पीने का पानी।